विबू? 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 क्या यार <laughs> तो अपना करो मैं अपना करने दो यार डिस्टर्ब मत करो प्लीज <laughs> तुम ये वाहियात वीडियो देख रहे हो कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो जो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूं ये वाहियात वीडियो नहीं है ये साउथ अफ्रीका के जंगलों से आया है और इसमें दिखाया कि वहां के आदिवासी जो है वहां की ट्राइब्स हैं कैसे रहते हैं लाइफ

आवाज क्यों रही है? तुम जब गुस्सा होते हो ना तुम्हारा एक बहुत ही अजीब सा चेहरा हो जाता है, है सड़ा हुआ एकदम। <laughs> आ जाती है, देख। यार मैं तक तुम्हें समझ नहीं पाया, औरत mm. ही क्या है एवरी वुमन इज अस्ट्री सोलह सोलह आने से, सोल से तुम हाँ तुम्हारी की बातों के चक्कर में देखो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई ये देखो देखो यूएस के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट टॉम एम्ब्रोस ने क्या कर दिखाया है मेल प्रेगनेंसी yes. देखा वहाँ पर आदमी प्रेग्नेंट हो रहे हैं पचास केसेस ऐसे और देखो सारे के सारे सक्सेसफुल देखो 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 ये आदमी माँ बन गया ये आदमी माँ बन गया ये बन गया वो बन गया देखो इतनी सारी लंबी लिस्ट है ने बड़ी अजीब सी खोज की है यार। बड़ी वियर्ड सी खोज है, है ये तो। क्यों भाई अजीब सी खोज क्यों है क्या प्रॉब्लम है अगर आदमी प्रेग्नेंट हो जाए सिर्फ औरतें ही प्रेग्नेंट हो ही सारी वही सारी मुसीबतें झेलें वही पीड़ा झेले वही कष्ट झेले वही लेबर में जाए ना करें कुछ आदमी क्यों नहीं शरीक हो सकता है यार दिस इज इज द वे इट तो ऊपर वाले ने गलती कर दी आदमी को इंक्लूड नहीं किया अब इंसान इस गलती को सुधार रहा है यहां धरती पर पर्सनल ओपिनियन मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता आई डू नॉट बिलीव दिस क्यों करोगे बिली वह क्यों चाहोगे ऐसा मर्द हो ना कुछ करना ही नहीं चाहते तुम तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम ये सब एक्सपीरियंस करो सब औरतें ही करें पता तो चले आदमियों को कि औरतों को क्या क्या झेलना पड़ता है मैं तो बहुत खुश हूँ आई एम वेरी हैप्पी खुश हो तो लड्डू बांटो पेड़े बांटो नाचो गाओ लेकिन मुझे मेरा वीडियो देखने तो फॉर सेक्स जो भड़के दिल हमरा तरसे सोला जो भड़के दिल हमरा तरसे दर्द जवानी का बढ़ाए क्या बात है भाभी जी बड़े शोले भड़का रही <laughs> हम कहाँ सोले भड़का रहे हैं हम तो केवल गाना ही गा रहे हैं हाँ भाभी जी आपको देख के हमारे तन बदन में शोले भड़कने लगते हैं बोले अब तो भाभी जी आप में एक शोला है भाभी जी आप वो शोला हैं जिसके हुस्न की गर्मी से हमेश की हरारत हो जाती है का बोलते ना हमरी तो कछु ना ही समझ आता है सब ऊपर से जाता है नहीं तो बोलता हूँ का बोले आ, मैंने कहा भाभी जी और सुनाइए क्या हाल चाल है हाँ, सुनाए भाई पौधों में पानी दे रहे हैं घर का काम कर रहे हैं कछु ना ही भाभी जी आई लव का बोले Hey, Bhabhi ji, I, I love the way you uh, water the plants. That's really nice. <laughs> <laughs> <laughs>

धरती के बोझ हैं ये कीड़े हैं समाज के ऐसा ही बोली ना इंसान है।, है, है, है? है यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं। ये क्या है हमने कौन सी बदतमीजी कर दी तुम्हारे साथ में हमारा आपस में झगड़ो है पर्सनल मैटर है हमारा लेकिन हम कहा बोल रहे हैं आप तीनों ऐसी छोटी छोटी बातों पर का इस तरह लड़ते हैं अरे भाभी जी हमारी तीनों की जो हालत चल रही है ना अभी के लिए तो पचास रुपया भी है ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो <laughs> पड़ते हैं मेहनत करनी पड़ती है ठूस नहीं जाएगा अब भैया कौन ने कह दिया आपसे हम पेट भरने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे गए कितने काम धंधा ढूंढ रहे हम अब ना मिल रहे तो काम हमारी का गलती आ गई चिंता मत करो मेरे दोस्तों मुझे लगता है कि तुम जैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत बढ़िया मौका आने वाला है ना जरा भाई माँ सीरियसली एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों लड़कों का भविष्य बहुत उज्जवल है का? तुम इसको देख रहे हो अपनी पागल दृष्टि से नहीं भैया ये मेरी पागल दृष्टि नहीं है ये मेरी दूर दृष्टि है शायद आपको पता नहीं है कि अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है हमें पता है हम बताते हैं आपको दुनिया में क्या क्या आ रहा है मोर्चे निकल रहे हैं लखनऊ में कानपुर में दिल्ली में सब जगह मोर्चे निकल रहे हैं आई लाइक इट बात तो भैया सही है कि मोर्चे तो बहुत निकल रहे हैं पर चक्कर ये है ना कि हम इंडियन लोग जो है वो मोर्चों के चक्कर में फंस गए हैं उलझ के रह गए हैं समझ रहे हैं आप और विदेशी लोग जो हैं, वो अपना काम करके निकल चुके हैं क्या काम कर दिया अरे भैया बहुत कुछ कर दिया इन विदेशियों ने अब आपको मैं बताता हूँ क्या कर दिया इन्होंने। एक विदेशी वैज्ञानिकों की टीम है जिसने एक ऐसे ट्रीटमेंट का आविष्कार किया है जो कि अगर किसी मर्द को दे दिया जाए तो मर्द प्रेग्नेंट हो जाएगा हाँ अनु भी कल रात था ऐसी कुछ बात कर रही थी लेकिन क्या ये न्यूज सही है अरे सब बकवास न्यूज है सही न्यूज है हमने तो कहीं नहीं सुना ये सब आप कभी सुन भी नहीं सकते भैया क्योंकि आप लोकल न्यूज देखते हैं ना आपको बस इससे मतलब है कि किसकी बकरी चोरी हो गई किसके भैंस को डंडा पड़ गया आपका इंटरनेशनल न्यूज से क्या लेना देना लेकिन मर्दों की प्रेगनेंसी वाली ये जो बात है ये सोलह आने सच है भैया

मर्दों की प्रेगनेंसी के इस ट्रीटमेंट से समाज कल्याण का काम करना चाहता है वो आईडिया तो बहुत ही अच्छा बात है बहुत अच्छा खबर है ये गुइयां का अच्छा खबर है ये बकवास खबर है ये समाज में अप्राकृतिक बातें फैला रही है कमंगत बट <laughs> चल नाश्ता बनाओ मेरे चल के कहां हाँ, बनाते हैं चलो चलो बाय बाय सक्सेना जी टांकू बाय बाबूजी बाय oh, बाय oh, हैव अ वंडरफुल डे टांकू लेकिन सक्सेना भैया वन क्वेश्चन प्लीज जा मैं मतलब हम तीनों को क्या फायदा होगा तुम लोगों को सरोगेट मदर बनना है ये इंडिया गेट तो सुना था सरोगेट क्या हो क्या मतलब सक्सेना जी अरे भैया सरोगेट मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बच्चा चाहता है लेकिन वो खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता तो वो तुम तीनों लौंडो की कोख को किराए पर ले सकता है एक मिनट सकसा भैया भैया को मतलब हम बच्चा पैदा करके सामने वाली पार्टी को देंगे करेक्ट अच्छा तो भैया जा में हमें कितने मिलोगे एक बच्चे का पंद्रह से बीस लाख पंद्रह से बीस लाख रुपए भैया तो मतलब मतलब जेब हो कि बीस लाख रुपया के हिसाब से एक साल में चार बच्चे निकाले तो फिर अस्सी लाख रुपए यार अब अकल से पैदल एक बच्चे का प्रोग्राम नौ महीने का होता है तू एक साल में चार बार माँ बनेगा क्यों जालिमो अरे वैसे तुम्हारी जान का यार बीस लाख भी ना कम नहीं आ गए और भैया फिर मौका देख के ना रेट बढ़ा देंगे यार अरे मेरी जान वारी के नियारे हो जाएंगे <laughs> और महाराज का पंचायत चल रही कौन के ससुर रेट बढ़ाए जा रहे आइए आइए दरोगा जी आइए आपके लिए बहुत बढ़िया काम आया है अच्छा सक्सेना जी है ना इनके एक दोस्त हैं है हाँ। उन्होंने एक ट्रीटमेंट निकाला है उस ट्रीटमेंट से क्या है कि मर्द भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सोशल जो हमारे मतलब को काम तोड़ी है जो तो तुम्हारी मतलब को है 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 तुम ना ना काम की ना काज की दुश्मन अनाज ना की का काम तो करती कम कम से कम गर्भ धारण कर लियो <laughs> 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 अरे ओ अरे मजा अरे मजा कर रहे थे बोरू मान गई वैसे सुनिए दरोगा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आपकी जो बीवी है वो तो हमेशा प्रेग्नेंट रहती है हुँ. तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साल के लिए अपनी बीवी को रेस्ट दे दीजिए और आप खुद प्रेग्नेंट हो जाइए काम और कर सकती हैं क्या पकड़ दू तो ना क्या हुआ अरे आई लाइक ज्ञान दे रहा हूँ जल्दी जल्दी सारी हरे सुनिए भैया ये हमको आधा किलो करेला दे दो हाँ क्या बात है भाभी जी आज भरवा करेला बनाने का इरादा है बुद्धि जी का आप तो हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिए हाँ हम तो भरवा करेला बहुत बनाना चाहते हैं लेकिन लेकिन कौन बदतमीज रोकता है आपको बताइए मुझे और लड्डू के भैया को बदतमीज ना ही बोलिए ओ तो लड्डू के भैया भरवा करेला नहीं खाते नहीं। और जब कहावत सुनी होगी कि बंदर जाने का जाने अदरक का स्वाद लेकिन मैं कहूँगा कि बैल का जाने करेले का स्वाद तिवारी जी की रोटी और वो क्या बोलते हैं कहाँ गोरमे डिश खिला रहे हैं कहाँ भरमा कर कहाँ खा रही है की बहुत ही प्यार से खाते हैं एक वाहियात सब्जी है जो खाते हैं वही वाहियात लोग होते हैं जब भी हम गुइया के पराठे बनाते हैं तब तो आप आकर सब कुछ चट कर जाते हैं भाभी जी जब आप घुया को हाथ लगा लेती है ना तो घुया नहीं रहती है, है। हमरे हाथ लगाने से पनीर बन जाता है भाभी जी आप हुसन का वो कुंदन है जिसने हमें शुक्र आपका एक मना बोले भाभी कैसे बनाएंगे आप बनाना ही सकते तो हैं सब्जी बना लेंगे अबे कौन है बे बे अबे मैं अबे अब अब चाचा जी आप <laughs> सरप्राइज अबे ज़्यादा लगा मुझे पता है कि मेरे आने पे तुझे और तेरी बीवी को कोई सरप्राइज नहीं होता अगला चाचा जी बल्कि हकीकत तो ये है कि जब तक आप हमें इस वसीयत की लॉली बाप दिखाते रहेंगे हम ऐसे ही आपके आने पर बार बार सरप्राइज होते रहेंगे <laughs> अबे जिस दिन मैंने उस लॉलीबाप की लॉली उखाड़ दी तब क्या करेगा तू तब की तब देखेंगे वसीयत लाए हैं मैं कोई वसीयत वसीयत नहीं लाया तो अपनी आ... <laughs> मतलब फिर क्यों आए हैं आप यहाँ पे अबे मैं ये कहने आया हूँ कि तुझे और तेरी बीवी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मैं सही कह रहा हूँ लेकिन क्यों वाय क्योंकि तू एक नंबर का गधा है <laughs> और कंजी औरतों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और तेरी बीवी कंजी आंखों वाली है तो सारी दौलत जो है

चल अच्छा जी जी प्रणाम करे हैं तू बड़ी देर से जागी अक्का बोले बताबे मैं क्या बोला चल 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 चाचा अच्छा जी क्या लंदन में टैक्सी चलाएगा अबे हट

हर दौर लौट के आता है और ये दौर भी लौट कर जरूर आएगा पता नहीं कब आएगा ये दौर वापस खैर ना आए लेकिन चाचा जी थे। कौन सी बड़ी बात है आए होंगे फिर किसी बात पे नाराज हो गए होंगे फिर फाड़ दी होगी यही तो करते हैं हर बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मतलब मतलब उन्होंने वसीहत नहीं फाड़ी वसीहत नहीं फाड़ी लेकर बड़े गंभीर थे और मुझ पर एक बड़ी अजीब सी शर्त रख गए

हमें आगे पीछे सोचना पड़ेगा बच्चे की परवरिश कैसे होगी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी ऐसे कैसे बच्चा पैदा पैदा कर ले? अनु एक बार बच्चा पैदा हो जाए, तो बैठा ना क्या बढ़िया प्लान है कर क्या कहा था तुम्हारे चाचा जी ने कि वो कंजी आंखों वालों पर भरोसा नहीं करते सुन लो मैं टीके मलखान पे भरोसा कर सकती हूँ उन पर तुम्हें का भरोसा नहीं करती मतलब नहीं बनोगे? Are you mad? <laughs> कैसे मां बनूंगी विभू? अरे माँ बनने का मतलब होता है तीन साल घर बैठना <laughs> मैं तीन साल घर बैठ जाऊँ? हाँ? कोई पैसे घर में ना आए और हम लोग भूखे मर जाए यार मैं हूं ना यार <laughs> <laughs> यही तो प्रॉब्लम है कि तुम हो लेकिन नहीं हो अगर तुम कमा रहे होते ना तो आज हमारे आंगन में किलकारियां गूंज रही होती देखो अनु <laughs> oh, oh, oh बहुत अच्छा आइडिया है अरे विभू इट्स पॉसिबल विपू तुम मां बन जाओ ऑफ योर माइंड नहीं नहीं इट्स वेरी गुड आइडिया देखो विभू तुम कमा नहीं रहे हो

तस्वीरें देखी जा रही हैं। है देखे ना देखे ना यहाँ ये ना लटके कि भैया कितने टूटी फ्रूटी बच्चे हैं टूटी <laughs> फ्रूटी नहीं क्यूटी क्यूटी बच्चे होते हैं। सही पकड़े हैं कितने नन्हे मुन्ने प्यारे हैं कितने सुंदर बच्चे हैं अरे बच्चे तो हमेशा प्यारे ही होते हैं पगली तो का आपका दिल ना ही करता है कि आप भी ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के डैडू बने हाँ, करता है नहीं करता बिल्कुल करता है आ तो फिर कर दीजिए ना दो तीन बच्चे पैदा <laughs> देखो पगली जो बच्चे पैदा करना है ना ये गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है इसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है हाँ तो कीजिए ना मेहनत मशक्कत हम क्या चाहते हैं कि अनीता जी और हमरे घर ना एक साथ ही बच्चा पैदा हो भाभी जी को बच्चों से क्या लेना देना भाभी जी को इन चीजों से दूर रखो समझी दूर रखे अनीता जी को देख कर ही तो पकड़े एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये भाभी जी को देखकर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया है कि अनीता जी भी बच्चे का प्लानिंग कर रही है, है? अरे भाभी जी को बच्चे पैदा करने क्या ज़रूरत है? अरे भाभी जी माफ दे देखो पगली भाभी जी काम काजी महिला और भभूति जी ठहरे नल छुकाम धाम तो करते नहीं है हमें तो ये चिंता हो रही है कि भाभी जी बच्चों को संभालेंगी कैसे कैसे पालेंगी पालेंगी ही बहुत ही बहादुर औरत हैं। वो सब कर लेंगी आप अपना देखिए और हमको बताइए कि आप कब बच्चे का कर रहे हैं प्लानिंग होता है प्लानिंग <laughs> ये ही करते हैं